Hey guys, तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का मैच नंबर 37 हमें बंगाल वॉरियर्स और हरियाणा स्टीलर्स के बीच में देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से मैंने कोई प्रीव्यू वीडियो यहाँ पे अभी तक नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आज एक प्रीव्यू वीडियो बनाऊं ताकि सब कुछ इस मैच के बारे में क्लियर हो जाए, कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है सब कुछ जानेंगे, प्रीव्यू करेंगे हर फैक्टर पे बेसिस पे एनालिसिस करेंगे, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या चीजों के बारे में बात करेंगे इस प्रीव्यू वीडियो में। तो सबसे पहले हम हेड टू हेड रिकॉर्ड सीजन 7 का लेंगे, उसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑल टाइम लेंगे, उसके बाद स्टार्टिंग 7 पे दोनों टीमों का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद मैच प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे। तो सब कुछ के बारे में जानेंगे, चार फैक्टर्स के बेसिस पे हम आपको मैच प्रेडिक्शन करके बताएंगे कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 का यहां पे परफॉर्मेंस जानते हैं कि दोनों टीमों का मुकाबला हुआ था, किसने किसको हराया। तो पहली बार जब हुआ तो हरियाणा ने बंगाल को 3 पॉइंट से हराया, फिर वापस दूसरी बार जब मैच हुआ तो बंगाल ने हरियाणा को 12 पॉइंट से हराया। तो यहां पे एक बार हरियाणा जीता एक बार बंगाल जीता, तो यहां पे डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है किसका पड़ा भारी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरा ऑल टाइम मतलब प्रो कबड्डी में जितने बार मैचेस हुए उसके बेसिस में हम इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। टोटल 4 मैचेस हो चुके दोनों के बीच में, एक बार बंगाल जीते और 3 बार हरियाणा जीते। तो यहाँ पे हरियाणा का पड़ा भारी नजर आ रहा है साफ साफ, 3 बार बंगाल पे भारी पड़े, लेकिन अभी बहुत बातें होंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग 7 जान लेते हैं दोनों टीमों का। तो सबसे पहले बंगाल की तरफ से जानेंगे तो मनिंदर सिंह यहाँ पे कैप्टन का, अगर प्रीवियस मैच के बारे में बात करें तो मनिंदर ने 13 पॉइंट लिया, दर्शन ने यहाँ पे 1 पॉइंट लिया, अमित नरवाल ने 1 पॉइंट लिया, रोहित के 1 पॉइंट भी नहीं थे, मोहम्मद दवीबख्श ने 10 पॉइंट लिया, अबुजार मेघानी ने 2 पॉइंट लिया और सचिन विटाला ने 1 भी पॉइंट नहीं लिया। ये बंगाल का स्टार्टिंग 7 का मैंने प्रीवियस मैच इनका जो हुआ था उनके खिलाफ मैंने सबका यहाँ पे पॉइंट बताया कि किस प्लेयर ने कितने पॉइंट लिया। और ये है बंगाल का, यहाँ पे मनिंदर कैप्टन है, दर्शन कवर है, अमित भी कवर है, हेगड़े और नबीबख्श यहाँ पे 2 राइट इन और लेफ्ट इन पे देखने को मिलेंगे, और अबुजार और सचिन विटाला दोनों कॉर्नर से, अबुजार राइट कॉर्नर पे है और सचिन विटाला हमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे। तो ये है बंगाल वॉरियर्स का स्टार्टिंग 7 जो कि हमेशा मैच में देखने को मिलेगा। और जहां तक रिंकू नरवाल का बात है, आई थिंक देखो सुकेश हेगड़े का यहाँ पे वापसी हो रहा है रोहित के जगह, सुकेश हेगड़े लास्ट मैच में खेले थे पर इस मैच में आई थिंक डेफिनेटली सुकेश हेगड़े को खिलाना पड़ेगा बंगाल को, हेगड़े बहुत ही कमाल के प्लेयर, आई थिंक जो भी इशू हो और यहाँ पे रिंकू इस मैच में भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब हरियाणा का स्टार्टिंग 7 के बारे में बात करें तो विकास खंडोला कैप्टन ने 5 पॉइंट लिए थे प्रीवियस मैच में, रवि कुमार ने 1 पॉइंट लिया, जयदीप ने 1 पॉइंट लिया, मित्तू महेंद्र ने 1 पॉइंट लिया, रोहित गुलिया ने 8 पॉइंट लिया, मोहित ने 3 पॉइंट लिया और सुरेंद्र नाड़ा ने 3 पॉइंट लिया। तो ये है हरियाणा स्टीलर्स के जो प्लेयर्स का उनके प्रीवियस मैच के परफॉर्मेंस, कितने पॉइंट्स किस प्लेयर ने लिया था। यहाँ पे विकास खंडोला देखने को मिलेंगे, रवि और जयदीप 2 कवर हो गए, मित्तू और रोहित गुलिया 2 सपोर्टिंग रेडर्स हो गए जो विकास को सपोर्ट करेंगे, और मोहित और सुरेंद्र नाड़ा 2 कॉर्नर्स है जहाँ पे सुरेंद्र नाड़ा लेफ्ट कॉर्नर संभालेंगे और मोहित यहाँ पे हमें राइट कॉर्नर पे देखने को मिलेंगे। तो ये है दोनों टीमों का यहाँ पे स्टार्टिंग 7। अब बात करते हैं और भी बहुत कुछ बातें होंगी तो स्टार्टिंग 7 ही है सब कुछ पे अभी बात करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे दोनों टीमों का एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम दोनों टीमों को एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बंगाल वॉरियर्स डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ सीजन 8, इनके बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट्स टेबल का पहले यहाँ पे दोनों का स्थिति जान लेते हैं कौन सी टीम कहाँ पे। बंगाल का बात करें तो बंगाल 6 मैचेस खेले, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 भी टाई नहीं है और 16 पॉइंट है, मतलब अभी तक तो ठीक ही है, मतलब पहले से थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन बंगाल अभी यहाँ पे नंबर 6 पे है पॉइंट्स टेबल में। और आपको ये रूल मालूम है कि टॉप 6 टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई होती है प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है प्रो कबड्डी का, अभी एक हाफ बाकी है और अभी यहाँ पे फर्स्ट हाफ यहाँ पे 10-12 दिन और होगा, उसके बाद सेकंड हाफ का शेड्यूल आएगा। अभी तक यहाँ पे बंगाल की तरफ से बात करें तो इनकी तरफ से यार मनिंदर सिंह ने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, ये टॉप 10 रेडर्स में अभी भी है और मनिंदर सिंह आई थिंक ही इज द एक्स फैक्टर ऑफ बंगाल, बहुत ही कमाल के प्लेयर है। डिफेंस में इस बार रिंकू और अबुजार का हमें कॉर्नर कॉम्बिनेशन पहले देखने को मिला था, लेकिन अबुजार मेघानी थोड़ा बहुत इंप्रेस किया, अबुजार ने एक्सपीरियंस है, लेकिन रिंकू नरवाल ने इस सीजन कुछ खास नहीं कर पाए इसीलिए उनके जगह सचिन विटाला को शामिल किया गया है। और मनिंदर को यहाँ पे मोहम्मद नबीबख्श सपोर्ट करते हैं जो कि बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर है, रेडिंग भी अच्छा करते हैं और डिफेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, रेडिंग दोनों बहुत ही कमाल करते हैं, रेडिंग में भी सुपर रेट्स लगाते हैं। और एक मैच अभी सीजन 8 में बंगाल का हुआ था आई थिंक हरियाणा के खिलाफ था वहां, जहां पे मनिंदर और नबीबख्श ने सुपर टैकल किया था। अब बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा 6 मैचेस खेले, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 टाई कराया है और 15 पॉइंट है। हरियाणा अभी नंबर 7 पे, मतलब बंगाल 6 पे है और
हरियाणा 7 पे है। अगर इस मैच को बंगाल जीत गया तो बंगाल नंबर 5 में आ जाएगा, अगर हरियाणा इस मैच को जीत गया तो हरियाणा 5 पे आ जाएगा। बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट करना, लेकिन सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी तक वो हरियाणा की टीम में यहाँ पे विकास खंडोला यहाँ पे सबसे मेन रेडर मेरे हिसाब से विकास है, लेकिन मितु और रोहित गुलिया सबसे ज्यादा अच्छा करे। आई थिंक मितु महेंद्र शर्मा जो है ये यहाँ पे इस मैच में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। रोहित गुलिया हुए जो कि बहुत ही कमाल के ऑलराउंडर है, आई थिंक मेनली रेडिंग करते थे गुजरात के लिए भी, लेकिन ऑलराउंडर का भूमिका निभाएंगे। और दोनों कॉर्नर्स जयदीप और सुरेंद्र नाड़ा, एक कवर जयदीप और सुरेंद्र नाड़ा, ये दोनों प्लेयर्स बहुत ही कमाल खेल रहे हरियाणा के लिए। और अब प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं यार, करते हैं मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो यार मेरे हिसाब से जो भी हो इस मैच को बंगाल वॉरियर्स जीत रहा है। जरूर हरियाणा का पलड़ा भारी है हेड टू हेड रिकॉर्ड में, पर मुझे लगता है आज यहां पे बंगाल जीतेगा। और इस मैच में महेंद्र सिंह हुए, नबी बख्श हुए, ये सारे प्लेयर्स बहुत कमाल करने वाले। नो डाउट हरियाणा का रिकॉर्ड के मुकाबले में हरियाणा थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच को बंगाल जीतेगा। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगा आप कमेंट में लिख के बता दीजिए, और अगर मैं लाइव हूंगा तो मैं यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट डाल दूंगा और टेलीग्राम में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फटाफट सब लोग ज्वाइन कर लूंगा, अपडेट मिलेंगे सबसे पहले। और ये लिख के बताओ कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो कमेंट सेक्शन पे।